नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार्स वगैरह न्यूज़ की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। आज हम मौजूद हैं गगन सानी जी के साथ हरिनगर विधानसभा में। तो आइए आज हम मिलते हैं गगन सानी जी से। गगन सानी जी, आपका हम स्वागत करते हैं पहले स्टार्स वगैरह न्यूज़ में। धन्यवाद जी आपका। अच्छा सानी साहब, ये बताएंगे आप जो सेवा कर रहे हैं लगभग कितना साल हो गया आपको? मेरे को लगभग इसमें 25 से 26 साल हो गए जी। मैं समाज के साथ में जुड़ा हूँ और समाज के बीच में लगातार रह के हम लोग काम कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में यहाँ से मैं दूसरी बार भी अध्यक्ष हूँ। इससे पहले मैं 4 बार मंडल में महामंत्री रहा हूँ। पिछली बारी जो निगम का चुनाव था तो पार्टी ने यहाँ से मुझे अपना उम्मीदवार बनाया था। अच्छा सानी जी, जनता से आप जैसे जो भी समस्या होती है आप किस प्रकार जुड़े समाज में? सुबह लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में मैं अपने घर पे बैठ जाता हूँ। 9 बजे से लेके 11 बजे तक घर पे लोग आते हैं जिनकी कोई समस्या रहती है, कोई परेशानी रहती है। जी, पार्टी से जुड़े लोग भी उसमें आते हैं तो सबके साथ में मिलना जुलना रहता है निरंतर। किसी पद पे ना होने के बावजूद भी, इलेक्टेड पद पे नहीं हूँ आज मैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी समस्या रहती है, कोई निगम से रिलेटेड रहती है, दिल्ली सरकार से रिलेटेड रहती है, या सेंटर की कोई भी समस्या रहती है, तो उसका निवारण मैं अपने एमपी जो है हमारे माननीय प्रवेश वर्मा जी, उनको साथ में लेकर के ऐसी सारी समस्याओं का हम लोग निवारण लोगों के बीच में रह करके करते हैं जी। अच्छा गगन सानी जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जैसे आप दिल्ली में देख रहे हैं कि लगभग 21 साल हो गए दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बन रही, और इस बार क्या तैयारियाँ चल रही है? इस बार बहुत अच्छा ग्राफ है, जैसा कि मोदी जी ने जो अपने जितने भी पुराने मुद्दे थे उन मुद्दों के ऊपर में जो काम किया, जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी लोगों से करके आई थी, धारा 370 का वादा था, राम मंदिर का वादा था, CAA का वादा था, उन सारे वादों के ऊपर में हम लोग खरे उतरे। हमारे जो सांसद हैं उनके माध्यम से हमने लगभग 2 करोड़ की लागत से अपने पूरे वार्ड के अंदर में, सुभाष नगर जो वार्ड है जहाँ से मैं चुनाव लड़ा था, उस वार्ड के अंदर में हमने 19 जिम लगवाए, जिसके अंदर हमने 9 गजीबो लगाए जो पार्कों के अंदर में छतरियाँ होती हैं, और पार्कों के अंदर में बच्चों के लिए झूले लगवाए। तो ये काम निरंतर हम लोग करते रहते हैं पब्लिक में जुड़ करके, जो भी पब्लिक की जरूरतें होती हैं, जिसमें जो ये सारे काम जो है वो MCD के ही काम है, जो प्रवेश वर्मा जी के फंड से हमने प्रयास किया, मैंने और मेरे पूरे मंडल ने। जी जैसा जिस प्रकार देख रहे हैं या पूरी जनता देख रही है, जैसे कि पूरे देश भर में जिस प्रकार मोदी जी काम कर रहे हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर का मामला देख लीजिए या आप राम मंदिर देख लीजिए, अभी हाल ही में जैसे अभी 1731 कॉलोनी कच्ची कॉलोनी का मुद्दा चल रहा है, ये सभी मुद्दे क्या लगता है इन चुनाव में इससे कितना प्रभाव पड़ेगा देश हित मुद्दों को लेकर? अब दिल्ली जो है वो केजरीवाल सरकार को अच्छी तरह से समझ चुकी है। जो केजरीवाल सरकार ने 70 वादे किए थे उन वादों में से वो किसी भी वादे के ऊपर में खरे नहीं उतरे। 4 साल 8 महीने लगातार वो लोगों से यही कहते रहे कि मोदी जी ने काम नहीं किया, मोदी जी ने काम नहीं किया। अब आखिरी में आके जो इन्होंने बिजली का जो माफ करने के लिए जो आखिरी में एक हथकंडा अपनाया है उसके अंदर भी ये केवल 31 मार्च तक ये वाला जो इनका है वो पास हुआ है, 31 मार्च तक ही बिजली का बिल माफ करेंगे, जी, इसके बाद में ये बिजली का माफ नहीं करने वाले। तो ये दिल्ली के साथ में सीधा सीधा धोखा है। दिल्ली के अंदर में कोई भी विकास कार्य नहीं चल रहे। आप पूरी पूरी विधानसभा हरिनगर की घूम करके देख ले, अगर हमारे क्षेत्रीय विधायक जगदीप सिंह जी ने पूरे क्षेत्र के अंदर में कोई सड़क बनवाई हो, कोई गली बनवाई हो, कोई हॉस्पिटल बनवाया हो, कोई बस स्टैंड बनवाया हो, किसी भी तरह का कोई भी विकास का कार्य इन्होंने नहीं किया। केवल ये अपने जितना भी पैसा है सरकार का वो सारा पैसा अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं, अपनी एड करने पे खर्च करते हैं, पब्लिक के बीच में रहकर ये किसी भी तरह का कोई काम नहीं करते जी। तो गगन जी, इस बार क्या रुझान है हरिनगर का? हरिनगर का रुझान बहुत अच्छा है जी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी यहाँ से टिकट देगी, पूरा संगठन मिलकर के उसको यहाँ से जिताएगा, और भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरी दिल्ली के अंदर में सरकार जी बनाने जा रही है। अच्छा गगन जी, मैं जानना चाहता हूँ जैसे आप सुबह का समय बैठते हैं जनता की मीटिंग के लिए, तो जनता किन किन समस्या को लेके वंचित है? इसके लिए मैंने 30 नवंबर को एक बहुत बड़ा विशाल धरना दिया था पानी के विरुद्ध। अपने जो हमारा जल बोर्ड का कार्यालय है सुभाष नगर में 9 ब्लॉक में, वहीं पर मैं धरने पे बैठा था। लोग मेरे पास में समस्याओं को लेकर के आए कि गंदा पानी बहुत आ रहा है गलियों के अंदर में,
पहले हमारे पूरे हरिनगर विधानसभा के अंदर में दो टाइम पे पानी आता था, अब वो पानी काट के भी एक टाइम पे कर दिया गया है। आज जो पूरी हिंदुस्तान के अंदर में जो एक सर्वे हुआ था, जो सर्वे करवाया था, उसके अंदर भी दिल्ली के अंदर में सबसे गंदा पानी पाया गया था। उसी को लेकर के हमने 30 नवंबर को धरना दिया था। उस धरने के अंदर हजारों की संख्या में जो जनता थी वो आकर के बैठी, धरने के अंदर में आकर के जुड़ी। गंदे पानी की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे पूरे क्षेत्र में है। अच्छा, मैं सर ये जानना चाहता हूँ, जैसे आलाकमान आपको टिकट का मौका देती है तो आपकी क्या तैयारी चल रही है? ये तो हमारी संगठन की पार्टी है जी, भारतीय जनता पार्टी। ये कोई और पार्टियों की तरह से पार्टी नहीं है। चुनाव हमेशा संगठन लड़ता है। संगठन हमारा, किसी को भी टिकट मिले, हमारा पूरा संगठन उसके लिए तन मन धन से उसके साथ में लग जाता है। 24 घंटे हमारा ये संगठन काम करता है। हमारा जो पूरे क्षेत्र के अंदर में हमारा कार्यकर्ता है, वो गली गली के अंदर में जाकर के मोदी बन करके वहां पे गली गली में लोगों का काम कराता है। चाहे हम सीट पे हों चाहे सीट पे ना हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे हमारा काम है कि लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच में रहना। चुनाव आते हैं जाते हैं, लगातार ये काम तो चलता रहता है सिलसिला, लेकिन पब्लिक के बीच में जुड़े रहने से सारी बातों को हम आगे बढ़ा सकते हैं जी। पब्लिक के बीच में हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं हम लोग। तो सर क्या लगता है, कहीं दावेदार दौर में इस बार चुनाव के लिए क्या लगता है, जब टिकट मिलेगी एक को तो सबका एक सहयोग रहेगा, सबका एकजुट? भारतीय जनता पार्टी की टिकट जब भी आएगी, उसको केवल कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का, वो कमल का फूल देखता है, वो कैंडिडेट नहीं देखता। कैंडिडेट कोई भी हो, जिसके पास में कमल का फूल होगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ में दिल से काम करेगी। तो यह थे हमारे बीच गगन सानी जी, स्टार सवेरा के साथ जितेंद्र गुप्ता। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।